बेगूसराय जिले के बलिया बाजार से निकलने वाले अवध तिरहुत पथ जो कि नेशनल हाईवे 31 गुप्ताबान और कस्बा रोड माध्यम से दर्जनों गांव को जोड़ता है, कभी छिंतनई का मुख्य केंद्र हुआ करता था, किंतु प्रशासनिक पहल से पूरे रोड पर हाई सिक्योरिटी लाइट लगाया गया और प्रशासन के चहलकदमी से यह घटना हद तक काबू है, किंतु अब यह हाई सिक्योरिटी लाइट सिर्फ हाथी के दांत साबित हो रहे हैं। क्या समस्या है? सिक्योरिटी लाइट तो हर जगह लगे हुए लेकिन चलते नहीं है। ये और आगे लगा है मोहल्ले के सामने, दो लाइट है जो कि रात में नहीं जलता है। अच्छा। नहीं, एक साल से नहीं जल रहा है। एक साल से नहीं जल रहा है। आगे का लाइट जल रहा है, ये लाइट नहीं जल रहा है। रात में आने जाने में प्रॉब्लम होता है, चोरी छीना जपी सब होता है। हाँ। मोहल्ले में चोरी तक हो चुकी है दो बार। क्या नाम हो आपका? आशीष कुमार। बलिया नगर पंचायत से हैं आप? वार्ड नंबर? वार्ड नंबर 2। आपके वार्ड में है सिक्योरिटी लाइट लगा हुआ? अच्छी रोड पर ही है। ये जो सिक्योरिटी लाइट है ये वार्ड में भी है? अंदर मन में नहीं है, जो रोड पर है उनमें से भी नहीं चलते हैं। अच्छा, और गश्ती दल वगैरह घूमता है यहाँ पर आसपास कभी? गश्ती दल मतलब थाना का आदमी लोग चेकिंग आता है, पेट्रोलिंग के लिए आता है, बट कोई वर्क नहीं करता है। अच्छा, कुछ नहीं करता है। एसपी तक आ चुके हैं चोरी के केस। आप लोग खौफ में हैं इसको लेकर के? यहाँ पर बिल्कुल खौफ में हैं। ये अवध तिरहुत पथ है, ये यहाँ से पावर हाउस की तरफ जाता है, अक्सर यहाँ राजानी होता है, कुछ लोग छीन छोर वगैरह इस प्रकार से करते हैं। कौन सा मोहल्ला है ये? हरिओम नगर। जो संपूर्ण रूप से मोहल्ला बन गया है, बिल्कुल बन गया है, लेकिन जो सिक्योरिटी लाइट है संपूर्ण रूप से नहीं जल रहा है।